सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक नया वीडियो आपको मैं दे रहा हूं यहां पर। दोस्तों मेरे को है ना एक नहीं पता नहीं कितने सारे आईफोन मिले हैं इस बार बनाने के लिए, और बहुत अच्छा है कि अपने R&D टाइम पे ये मैं कर रहा हूं। तो आप नोटिस कीजिए, यहां पर मेरे को इतने सारे फ़ोन मिले हैं जिसको मुझे बनाना है, और ये जो हमारे एंड्रॉयड में आते हैं स्टूडेंट और हम उनसे R&D के लिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा आईफोन सिखाना काम नहीं है। बट हम एक उसमें अपने कोर्स में नेंड प्रोग्रामिंग, वो भी प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि टीवी में सिर्फ आपको फ्लैशिंग सिखा रहे, फ्लैशिंग तो बात ही नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग भाई। और जिसमें मैं आईफोन सेवन या उससे ऊपर के मॉडल में मैं जिसमें प्रैक्टिकली नेंड चेंज करके बताता हूँ कि अगर डेड हो गई तो फिर कैसे बनाना है, प्रोग्राम कैसे करना है, अपग्रेड कैसा करना है, वो भी प्रैक्टिकल लाइव एक फ़ोन में और करके दिखाते हैं उन और बच्चों के सामने, और सारे टूल बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको बहुत इजीली मिल जाए और वो एसेस कर ले, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड टॉम उनको ज़बरदस्त करवाते हैं। अगर आपको ये देखना है ना, फेसबुक में जाओ यार, 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए यार, 1.5 लाख, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया के इंस्टीट्यूट के लिए कि 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं उसके, जाओ फॉलो करो। दोस्तों अभी मेरे पास एक फ़ोन है और अभी मैं कोई नॉर्मल का एक फ़ोन बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रिकवरी मोड पे है। एक और बात बता दूँ दोस्तों, सच बताऊँ इस फ़ोन में ना फ्लैशिंग नहीं होगी, ये रिकवरी मोड है और बेसिकली ये फ्लैश होकर ही आएगा, क्योंकि बेसिकली छोटे छोटे है ना चीज़ तो ये दुकान वाले खुद बना लेते हैं वीडियो देख देख के, दस तो हमने ही बना के रखे हैं वीडियो, तो फ्लैश नहीं होगा प्यारे। वो इसमें है ना आपकी बेसिकली नेंड की प्रोग्रामिंग होगी, और मे बी हो सकता है नेंड चेंज हो, तो ये देखेंगे, डिपेंड करेंगे हम थ्री यू टूल पर। अगर थ्री यू टूल में अगर मान लो 90% स्टक होता है तो मुझे लगता है, और रिकवरी मोड पर रहता है तो मुझे लगता है कि यार ये फ्लैशिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग से हो जाएगा। पर अगर इन केस ये 20% पे आ गया तो भैया यहाँ पर हमको हो सकता है कि नेंड चेंज भी करना पड़े। सो आओ देखते हैं, आप लाइव प्रैक्टिकल उस फ़ोन को बनाते हैं, तो आइए इसको फ्लैश करते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइल डाली हुई है, मैं क्विक फ्लैश में तो इसको मैं रख देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन को फ्लैश करते हैं। अभी इसमें थोड़ा चार्जिंग कम है बट मैं डायरेक्ट फ्लैश में लगा देता हूँ, ये देखिए। अब नोटिस कीजिएगा, मैं तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको 90% स्टक मिल गया है, और हमारा यहाँ पर फ़ोन अभी भी सेम रिकवरी मोड पर है, ध्यान रखना रिकवरी DFE मोड पे नहीं है। क्यों? अब हम इस फ़ोन पे जो काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं, ध्यान देना, मैजिको बॉक्स से। अब हम इस पे काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैजिको बॉक्स से। तो देखिएगा कि किस तरीके से हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। चलिए सबसे पहले हम फ़ोन को ऑन कर लेंगे, और दोस्तों ये फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले ये कभी ऑन भी हुआ था, क्योंकि आप नोटिस करो कि यहाँ पर हर सील्ड, हर सब कुछ है, इवन आपके कस्टमर के सिम कार्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, इवन सिम कार्ड भी उन्होंने डाल दिया है, मे बी हो सकता है उन्होंने यूज़ ना किया उसके बाद। तो आइए इसको पहले खोल लेते हैं, खुलने के बाद सीधे मैं जाऊँगा नैंड पे और फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों हमने फ़ोन का जो बोर्ड होता है वो निकाल लिया है, और अब हम इसका नैंड निकालेंगे, क्योंकि बिना नैंड निकाले तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम इसका नैंड निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका नैंड, तोशिबा का इसका नैंड है, और
एसी निकल चुका है और सबसे अच्छी बात है कोई भी पैड निकला नहीं है। दोस्तों मैं सबसे बेहतर डीसी शोल्डर वायर यूज़ करता हूँ, आप नोटिस कर सकते हैं इस शोल्डर वायर को। ये है रोजी शोल्डर विक और सिमट्रॉनिक कंपनी का। तो चलिए हमने नैंड निकाल लिए, अब देखते हैं कि डीएफई मोड पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नैंड अभी निकली हुई है, नोटिस कीजिए, देख रहे हैं आपको। तो देखिए हमारी नैंड कनेक्ट हो चुकी है और हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, नैंड कह रहा हूँ, और ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ है डीएफई मोड में। अब मेरे भाई इसको कहते हैं डीएफई मोड, ये रिकवरी मोड नहीं है, ये बहुत अलग है। ये मोड आ जाए ना तो फ्लैश नहीं होता है, नॉर्मल फ्लैशिंग से दिक्कत आ जाती है, टेंशन हो जाते हैं आदमी कि भाई डीएफई मोड पर क्यों जा रहा है तुम्हारा फ़ोन। ऐसा डीएफई और रिकवरी एक नहीं होता, तो कहीं भी बातों पर विश्वास ना करें। तो देखिए अब हमने हमारे फ़ोन से नैंड निकाल दी है और हमने पीसी से कनेक्ट किया और इसको कहते हैं डीएफई मोड। आप अगर नैंड को निकाल रहे हैं और पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो भैया आपका फ़ोन डीएफई मोड पर जाएगा। और भैया मेरे इस डीएफई मोड को रिकवरी मोड नहीं कहते हैं, बिल्कुल अलग होता है। तो हमने क्योंकि नैंड निकाली है, अब हम इस नैंड की प्रोग्रामिंग करेंगे और वो करेंगे हम मैजिको बॉक्स से। तो हम कर लेते हैं रिबॉल और उसके बाद इसका रीप्रोग्राम का पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाला हूं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी। इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को जाने की जरूरत नहीं प्रोग्रामिंग के लिए, हाँ आईसी निकालने के लिए जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लें। तो हमारी जो नैंड है वो रिबॉल हो चुकी है, अब मतलब ये समझो कि इसे 5 मिनट वाला काम बचा है और वो है इसका प्रोग्राम करना, जिसको मैं कहता हूँ बेबी प्रोग्राम। मतलब वो इतना बेबी बच्चों वाला प्रोग्राम है दोस्तों, नैंड पर काम बिल्कुल बच्चों वाला काम है, उसको बहुत सरलता से किया जा सकता है बट नॉलेज के साथ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ स्किल है आईसीओ की, कि आपका आईसीओ पर निकालना लगाना किस तरह से चलता है, क्योंकि ये काम ना तो बहुत इजी है। अब हम बात करेंगे
हमारा नैंड तो हो गया, अब हम प्रोग्रामर की बात करेंगे। आइए, तो दोस्तों ये है हमारा प्रोग्रामर मैजिको। तो इसमें दो अडप्टर आते हैं, पहला अडप्टर आप देखिए। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोग्रामर मैजिको। अब एक एक चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट करने के बाद में अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ अपने 4S26P में जाना है। ठीक है, ये आप पूरा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और अब सबसे पहले मैंने, क्योंकि नैंड मैंने लगा दी है, आप नोटिस कीजिए मैंने नैंड इसके अंदर लगा दी है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले डिडेक्ट हार्ड ड्राइव पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा हार्ड ड्राइव डिडेक्ट हो रहा है। सो आप यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर नोटिस करो, तो यहाँ पे आपको इस नैंड का साइज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नैंड का यहाँ पर साइज़ है, तोशिबा का नैंड है। सो बेसिकली ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। खैर, तो अगर मैं यहाँ पर इसका रीड इन्फॉर्मेशन करूँ, तो मैं रीड इन्फॉर्मेशन पे टिक करूँगा। तो सबसे पहले रीड इन्फॉर्मेशन करना है, तो ये नैंड की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और अब मुझे इसका पूरा बैकअप उठाना है, तो मैं अपने सारे बैकअप पहले पुराने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब नोटिस कीजिए, अब मैं यहाँ पर बैकअप में टिक करूँगा, तो जो बैकअप में टिक करूँगा तो वो एक्चुअली इस मेरी नैंड का बैकअप होगा, जो कि आखिरी में XR6 होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को सीरियल नंबर मेरे को चाहिए, क्योंकि सीरियल नंबर मिस हुआ तो ये आपका अपडेट फेलियर में चले जाएगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली एक्टिवेशन फेल में ये चला जाएगा एरर में, और ये सारी चीज़ें तो फ्लैशिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब हम नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर आ चुका है, अब मुझे इसको इरेज करना होगा, मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक करना होगा। इसी को कहते हैं नैंड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों ये नैंड प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है फ्री फोकट में, तो एसे टेलीकॉम का तो हमारे एसे टेलीकॉम में आइए और एंड्रॉयड का कोर्स कीजिए। ये तो आपको ऐसे ही सिखा देंगे, क्योंकि हम इसको बेबी बर्ड कहते हैं। और आईफोन के लिए कॉल मत कीजिए, क्योंकि हम आईफोन नहीं सिखाते हैं। आईफोन का काम आप कहीं भी जाके सीखें, बट आप एसे टेलीकॉम में उसके लिए कॉल ना करें। बट आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें, क्योंकि मैं आपको एंड्रॉयड में विश्वास दिलाऊंगा और बिलीव है कि आप 3 दिन के अंदर CPU पावर निकाल के अपने सेट को चालू करेंगे और सिर्फ IC पे काम नहीं करेंगे, उसके पैड पे ऊपर काम करेंगे। और आपको पैड वाइज इतना गजब नॉलेज दूंगा कि अगर आप YouTube पे वीडियो देख देख के फ़ोन बना रहे हैं तो वो छोड़ देंगे और आप अपने खुद के YouTube पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों एसर टेलीकॉम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। फेसबुक में जाइए और हमारी लाइव क्लासेस देखिए। अभी फिलहाल अभी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो कल से हमारी MMC की क्लास चालू हो रही है, जिसमें मिलन सर MMC हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्लास ले रहे हैं, तो उनकी क्लास देखिए। अब आप देखिए, तो मेरे नैंड फॉर्मेट हो चुकी है, मैं वापस डिटेक्ट करूँगा तो ये तो सारी चीज़ फिर से आएंगी, पर जब से रीड करूँगा तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा। अब नोटिस करो, तो क्योंकि मैंने नैंड को पूरी तरीके से फॉर्मेट कर चुका हूँ। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात करूँगा, तो यहाँ पे मैं बैकअप मैं तो मैं टिक करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब मुझे यहाँ से अपना यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ इनपुट हार्ड ड्राइव बॉटम लेयर में टिक करूँगा और यहाँ पर अपनी जो फाइल है सील नंबर के साथ यहाँ पर XR6 सिलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पर राइट हो जाएगी। बस सिर्फ इतना ही है नैंड प्रोग्रामिंग। अरे नैंड प्रोग्रामिंग में और कुछ भी नहीं है, समझे? तो आइए अब करते हैं, बस डिटेक्ट कर लेते हैं और डिटेक्ट करने के बाद में रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वापस आ जानी चाहिए। अब हमारा सिर्फ नैंड लगा के इसको फ्लैश करना है और हमारे फ़ोन को ऑन करना है। आइए देखते हैं। अब हम नैंड को लगा देते हैं।
तो फाइनली हमने नैंड लगा ली है, अब हम अपने फ़ोन को वापस TFU मोड में करेंगे, रिकवरी मोड पे नहीं, और फ्लैश करेंगे, और अब हमारा फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश होकर ऑन होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारी नैंड लग गई है, तो देखिए हमने अपने फ़ोन को अभी टेम्पररी लगा के रखा हुआ है, अब हम अपने फ़ोन का डिस्प्ले लगाएंगे और उसके बाद हम अपने फ़ोन को ऑन करेंगे, मतलब पहले तो हमें फ्लैश करना है। ये हमारा फाइल सिस्टम ले लिया है और यहाँ हमारा बार चालू हो जाएगा 21 जैसे जैसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्रिएटिंग फाइल सिस्टम आ गया है और ये बार चलना चालू हो गया है क्योंकि फाइल क्रिएट हो गई है, यहाँ पर राइटिंग यहाँ पे चालू हो गई है। आप देख रहे हैं हिस्से टेलीकॉम नैंड प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से हमने इसकी नैंड को प्रोग्राम किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही मैं आपके साथ लाइव करूँगा क्लास में, तो जुड़े रहें इसके साथ। और ओके तो जुड़े रहें हमारे ऐसे टेलीकॉम के चैनल के साथ और दोस्तों फेसबुक जाके लाइव ज़रूर देखें, और लाइव देखने के से आपको पता चलेगा कि डेली के वर्किंग क्या है हमारे। आप किसी भी सस्ते इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कम पैसे में ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो आप गलत है दोस्तों। यहाँ नॉलेज के तो गेम है, नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास। 90% इंस्टीट्यूट वाले ऐसे बोर्ड में पढ़ा के आपको भेज देंगे क्योंकि वो सेफ काम चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जितना सेफ हो सके उतना काम वो कर रहे हैं, इसलिए वो ऑनलाइन पे सबसे पहले बुलाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ही रिपेयरिंग है, तो मन तो IC 2 मिनट में लगा लो, कि IC का कुछ नहीं है, मेन है ट्रैक, तो मैं तो ट्रैक तो आपको बोर्ड पे बता ही दूंगा, उसमें भी क्या आधे पे बोर्ड नहीं हो। तो आप बताओ आप ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो जहाँ बोर्ड नहीं हो से सीख रहे हो, तो सब वेस्ट है आपका पैसा। और मैंने बहुत से टीचर तो देखे हैं जो जियो पे वो अभी पैनल तो ले लिया है, पैनलों पर भी पुराना ज्ञान वही ले दे के, अच्छा MMC से डाटा निकालने की बात करते हैं, और कितने बेवकूफ़ हैं कि MMC 3G फ़ोनों का MMC जो पहले जिससे डाटा निकल जाता था वहाँ पे डाटा क्लिक करके डाटा निकाल लेते, तो ये तो मतलब
लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि अभी की MMC और अभी तो UFS आ रहा है तो डाटा तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो ये क्या क्या सिखा रहे हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। डिजिटल माइक, माइक बदलना, माइक निकालना, भाई आप बेसिक के अगर आप और आप सीखने जाते हैं हार्डवेयर, MMC, सॉफ्टवेयर, और क्या सीख रहे हैं कि भाई मैं MMC सिखा तो दूँ पर आपको IC निकालना तो आ जाएगी, ये बोलना तो मतलब बेवकूफ़ी है। तो ले देखे आप प्लीज़ ऐसे स्कैमों में ना मत फंसो दोस्तों। YouTube में बहुत सारे वीडियो डले हैं बहुत सारे टीचरों के, आप देखो तो कई आप सिर्फ औरतें घूमती हुई मिलेंगी और कई आप देखो तो मतलब अलग ही लेवल पे हैं। तो ये आप देख लो कि आपको क्या करना है, आप लॉन्ग टर्म में किसके साथ काम करना चाहते हो, आप देखो कि एक्चुअल 12 घंटे काम हो रहे हैं, आप देखो कि दिन में जो पढ़ाया रात में उसका रिजल्ट निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में भी ये फ़ोन पकड़ा दिए और ये बोल दिए कि भैया इन फ़ोनों को देखो, सर मैंने इतने सारे फ़ोन चालू किए और मेरा पैसा निकल गया, थैंक यू। तो ये क्या है, आप क्या दुकान जाओ चालू करना है तो सीख, फिर सीखने का क्या मतलब, मैं 4 कैपेसिटर निकाल कर एक फ़ोन को ऑन कर दूँ, तो ये कोई, ये तो पहले ही कर रहे हो, हाँ ये पहले ही कर रहे हो दोस्तों। 90% स्टूडेंट फ़ोनों को चालू करवाने के चक्कर में अपना पूरा दिन एक मदारी के जैसे बैठ जाते हैं और सामने सब बच्चे बैठ जाते हैं फ़ोन को चालू करने में और सब लोग वाह वाह ताली बजाते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आपको चाहिए उन 4 घंटे में भी इतना नॉलेज कि सर वो फ़ोन तो हम चालू कर लेंगे, हमें चालू करने का पूरा प्रोसीजर बताओ। अगर ये नहीं हुआ तो उससे, क्योंकि अभी तो एक फ़ोन बना रहे हो आप, मान लो आज आपने CPU रिबॉल कर दिया, एक जंपर मार दिया, ये हो गया, अब इससे बात क्या, अगर ये नहीं होता तो क्या, तो क्या, तो ये आप सोचो। तो दोस्तों यहाँ पे 60% यहाँ पे फ्लैशिंग मेरी डन हो गई है, और एक बार फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पर अभी मेरा बार चल रहा है, और अगर मैं बात करूँ मोबाइल रिपेयरिंग में हमारा नया बैच लग रहा है, आप अभी भी चाहें तो हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हमारे पास अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है एडमिशन है, बट आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आप हमें कॉल करें हमारे कॉल ना उठे, तो आप एक बार मत करें, 2 बार करें, 3 बार करें, नंबर जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर दोनों के नंबर दे रहा हूँ, एक अपनी मैडम के और एक अपने सीनियर सर के। तो यहाँ पर आपको जो 9644139972 पर फातिमा मैडम मिलेगी, और 7000731122 चलो हमारे साथ हमारे मोहम्मद सर भी हैं, और नंबर नोट कर लीजिए आप 7000731192। हालांकि नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो अब इन पे जरूर कॉल करें मोहम्मद सर को। और मोहम्मद सर आपको कब कब कॉल कर सकते हैं बच्चे? रात के 11 बजे भी? रात के 11 बजे भी? 12 बजे कर ले। रात के 12 बजे? 2 बजे कर ले, 1 बजे कर ले, बाकी सुबह 9 बजे के बाद। बट कैसे आप बच्चे चाह रहे हो, कैसे बच्चे कॉल करें? पढ़ना चाहते हैं कि सर वो बोले कि सर मेरे को, मैं बिल्कुल 0 पे हूँ, मेरे को 0 पे, और मेरे को यहाँ से हीरो बना के भेजना, तो मैं बिल्कुल वादा है कि 2 बजे रात तक बैठूंगा उसको हीरो बना के पहुंचाऊंगा। और सर एक बार में नहीं पढ़ा, 30 दिन में नहीं पढ़ा, तो इसको मैं 100 बार पढ़ूंगा बुला के। अच्छा, आप चार्ज उसका कोई फीस नहीं। मान लो जैसे किसी को 2-3 दिन में समझ में नहीं आया, वो तो कान खुजाने लग जाएगा, 5वें दिन समझेगा, 6ठे दिन समझेगा, 7वें दिन समझेगा, बाकी समझ के जाएगा, समझ के जाएगा यहाँ से। अच्छा, और जिसने आज तक कभी SMD भी नहीं छुई, क्या वो CPU लगा देगा? गारंटी से सर मैं 4थे 5वें दिन उससे CPU लगवा दूंगा, 6ठे दिन लगवा दूंगा, 7वें दिन लगवा दूंगा, उससे CPU लगा के जाएगा यहाँ से और खुश होके जाएगा, एक बार नहीं 4 बार लगाएगा सर। चलो, तो और बाकी दोस्तों हमारी कोई डेमो क्लासेस नहीं है, जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, आप हमारा मन बना के आएँ, क्योंकि हम कोई वैसे नहीं है जिसको आप सिर्फ यूट्यूब में देख रहे हैं, आप डेली लाइव हमें फेसबुक में देखते हैं, फेसबुक में जाके प्रॉपर देखो क्लास अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, हम कैसे हैं, हम कैसे सुबह कब आते हैं, दोपहर में कब आते हैं, और अभी तो हम लाइव में वायरल हो रहे हैं बुरी तरीके से। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपके साथ में इंडिया के मैं वर्ल्ड के ग्रेट टीचर बैठे हैं आपको, देवरतन अग्रवाल सर, इनके 4000-5000 वीडियो हैं, 1.5 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में आएंगे कि जहाँ 6 टीचर पढ़ाएंगे और जो मेन लीड करेंगे मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर लीड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अपनी बुक भी दिखाना चाहूँगा, एक बार मेरी बुक लाओ। तो अगर जिन भाइयों को ये बुक परचेस करनी है तो वो वेबसाइट में जाके परचेस कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी ये बुक है,
तो आप इसको परचेस कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर। इसमें आपको बूट सुकेंस बहुत अच्छा मिल जाएगा और इसको भी मैं अपडेट करने वाला हूँ। और सॉफ्टवेयर की बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर की बुक में मैं UEFI का कुछ कंटेंट अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं तारीख नहीं बोल सकता, पर अभी अपडेट आ जाएगा। तो ये बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसमें बेसिक से आपको एडवांस तक मिलेगा। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बुक से आप कंफर्मली सीख जाएंगे, क्योंकि बुकों से कभी नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ नॉलेज उठाया जा सकता है। बट इतना है कि टी शर्ट के दाम पर बुक है, आप पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि देखना कि इसमें क्या क्या है, तो दोस्तों ये तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये चीज़ें लीक होती हैं। और बस ये है कि भरोसे पे अगर बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बूट सुकेंस, हार्डवेयर सर्किट, IC डाटा सीट, बहुत कुछ मैंने यहाँ पर बताया है। और बहुत कुछ यहाँ पर सर्किटों के साथ डाला है, जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश सब कुछ डाला है, जिसमें आपको सर्किटों के साथ में मिलेगा। और इसमें ये बिल्कुल मेरे हाथों के बने हुए सर्किट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिक्वेंस के साथ डाला हुआ है, IC के GR इस तरीके से, ये देखिए। तो ये सब आपको देखिए, तो ये हर ICO की नॉलेज, ये देखिए, तो सिक्वेंस सर्किट के साथ डाला है। तो ये आप परचेस कर सकते हो और ये सिर्फ वेबसाइट से थ्रू होगा। आप वेबसाइट में जाओ, डायरेक्ट वहाँ पे टैप करो और इस बुक को परचेस करो। अभी डिस्काउंट में चल रही है क्योंकि 3000 रुपये में बेच रहा हूँ ये बुक, 3500 रुपये में सॉरी। और ये बुक अभी मैंने 1500 रुपये में डाल दी है, तो फिलहाल तो डिस्काउंट में है। अगर ले सकते हो तो ले लो, और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। और हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहो, क्योंकि अभी तो ये फ़ोन फ्लैश हो गया है, आखिरी सिस्टम पे है। देखिए न्यू का आ गया यहाँ पर। अब ये एक और फर्मवेयर चलेगी, इसकी फाइनल फर्मवेयर चलेगी जिसको हम बोलेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नैंड प्रोग्रामिंग आपको बॉक्स के थ्रू बताई है, कुछ बोर्ड पे बोल के काज की काज को जैसे बोलते हैं, बोल बाल के नहीं बताई कि आपको सिर्फ पैनल पे दिखा दी ये कर लेना, वो कर लेना, ये वो फलाना ढिकाना। तो ऐसे टीचरों से भी बचो जो सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऐसे टीचरों से भी बचो जो ऑनलाइन बताने के कोशिश में रहते हैं, ऑफलाइन में मुंह छुपाते हैं। तो भैया बहुत कुछ है, हार्डकोर वही है जो सामने बिठाकर आपको आपसे करवाए और फिर बोले कि अब बता तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मज़ा उसमें है दोस्तों। तो एक बार हेलो की स्क्रीन देख लें, उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। और दोस्तों अभी जो मेरा सेटअप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ना इसका डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी आने वाला है। हमारा फ़ोन नॉर्मल हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखिए हमारा फ़ोन हेलो स्क्रीन पे आ गया फाइनली। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।